को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है इस आराधना में। आप पूरी आराधना जरूर देखे जाना, आपके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल है। आप सबका इस ऑनलाइन कलीसिया में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो गाना गाने जा रहे हैं वो कहता है, यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। ये गीत है जिसमें जैसे जैसे आप सुन रहे हो कोरस में कि यीशु नाथ जिथे मैं खलोवा। आगे आने वाले समय में आप कई लोगों की गवाहियां सुनोगे जो यीशु के नाम के लिए खड़े हुए, उन्होंने वो चीज़ें करी जैसे यीशु ने आज्ञा देता है, उन्होंने उसका पालन किया और वैसे ही उन्हें यीशु ने आशीषित किया। तो मैं चाहूँगा हम सब कि उन्हें एक विश्वास के साथ इस गाने को गाएं उस चमत्कार के लिए, और जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो सारी उनका उत्तर हमें मिल जाए, उस सब को मन में रखते हुए इस गाने को गाएं। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। चाहे दुख मुसीबत आवे, चाहे दुख मुसीबत आवे, या शैतान भी आवे, लेड़े उन्हें यीशु नाथ जिथे खलोवा कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमारे साथ हमारे जन्म से लेकर अब तक बनी है परमेश्वर।
तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तुझे ही ऊंचा उठाते हैं आज के दिन परमेश्वर, और ये चुनाव करते हैं परमेश्वर कि चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, जैसे भी चीजें हमारे आसपास चल रही हो परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे, और जो चीजें हमारा नाश करने के लिए आते हैं परमेश्वर, वो तू उसे हमारे लाभ में बदलेगा प्रभु। जो भी बीमारियां आसपास चल रही है परमेश्वर, वो कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं पाएंगे प्रभु, जब तक तेरी कृपा हमारे साथ है परमेश्वर। हम विश्वास के साथ तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम आसपास वाली चीजों पर ना भरोसा करते हुए तुझ पर और तेरे वचन पर भरोसा करें प्रभु। हम अपनी जिंदगी को, अपने मनों को तेरे पवित्र हाथों में देते प्रभु, और तेरा ही नाम ऊंचा उठाने का फैसला करते परमेश्वर। इस छोटी प्रार्थना प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। सारिआं नूं जय मसीह की। जो घर बैठे इस ऑनलाइन प्रसारण नूं देख रहे हैं, इस समय परमेश्वर दे राज्य दे लई बीजण दा। सो जदों लॉकडाउन चल ही रहा सी, तां लॉकडाउन दा दूसरा हफ्ता ही सी, तां मेरे मन दे विच इह प्रश्न आया कि हुण जिस तरीके नाल सारा कुछ बंद है, कोई कारोबार नहीं हो रहा, पर कमाई दा कोई भी होर दूसरा साधन नहीं है, तां मैं इही मन दे विच इक चल रहा सी कि किस तरीके नाल परमेश्वर दे राज्य दे लई बीजा जाए, जो वायदा किया है उस मुताबिक दिता जाए या उसनू घटा के दिता जाए। सो इसी तरीके नाल जो मेरे मन दे विच आया, शायद जो तुसी इस प्रसारण नू देख रहे हो, थोड़े मन दे विच भी इस तरीके नाल आया होया होवेगा। सो जे असी इस नू लेंदे हाँ तां परमेश्वर दा वचन इस बारे की कहिंदा है, असी उस वचन नूं पढ़ांगे। मलाकी 3:10, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो
कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ के नहीं। सो इस वचन दे विच परमेश्वर कहिंदा कि तुसी अपना दशवांश मेरे भवन दे विच लेके आके मैनू परख के देखो कि मैं थोड़े जीवन दे विच एक अपरंपार आशीष की वर्षा करदा हाँ कि नहीं। सो मैं इस वचन नू लेंदे हुए जदों परमेश्वर दे राज्य दे विच बीजना जो वायदा किया सी उसे मुताबिक देना शुरू किया, ना कि जो मेरे मन दे विच आया कि मैं घटा के दवां, तां परमेश्वर ने उस आशीष नू मेरे जीवन दे विच भी पाया ताकि मैं होर भी वध चढ़ के परमेश्वर दे लई बीज सकां। सो जिस तरह तुसी दो हफ्ते पहले गवाही सुनी प्रीति दीदी उन्हां दे भैन दी कि किस तरह उन्होंने देना शुरू किया, परमेश्वर ने उन्होंने जीवन दे विच होर भी ज़्यादा आशीष पाई। फिर तुसी पिछले हफ्ते गवाही दल बहादुर उन्हां दी सुनी, उन्होंने परमेश्वर ने किस तरीके नाल देन दे द्वारा आशीष दित्ती जो उन्होंने सोचा ही नहीं सी कि उन्होंने इन्ना मिलेगा, पर जो हर महीने उन्होंने मिलता सी परमेश्वर ने उस तो ज़्यादा भी उन्होंने दिता। यह सब किस तरह होया, एक बलिदानी का कदम चुकते हुए परमेश्वर के राज्य के बीजन का। सो असी अपने दशवांश नू भेंट नू अपने हत्थां विच लवांगे, जो भी परमेश्वर थोड़े मन दे विच पांदा है या जो भी तुसीं वायदा कीता उस मुताबिक असी परमेश्वर दे लई देण लई प्रार्थना करांगे। सारे अपनी अखां नू बंद करांगे। प्यारे परमेश्वर, इस समा परमेश्वर इस दशवांश भेंट दे लई प्रार्थना करदे हां, परमेश्वर इस नू छू के आशीष देना पिता, अपने भवन दे लई अपने राज्य दे लई इस्तेमाल करना परमेश्वर, जो इस लॉकडाउन दे दौरान परमेश्वर जो भी कमी घटी है पिता उसनों तुसी पूरा करना परमेश्वर, जिस बलिदानी तौर पर असी दे रहे हैं तुसी आशीष देना परमेश्वर, अपने स्वर्ग दे चरोखे खोल के परमेश्वर हर एक कमी कटी नू दूर करना पिता। इस प्रार्थना नू यीशु नाते मांगते हैं, सुनो अते कबूल करो, आमेन आमेन। सारे नू जय मसीह दी। ते ये सूचना दा समा है, कुछ सूचनाएं हैं जो तुहानू मन विच रखन दी लोड़ है। एक तो यह है कि अज शामी बच्चों का आराधना होवेगा जूम दे राही, ते सारे जो बच्चों की अगवाही कर रहे हैं उन्होंने तुहानू सूचित किया होवेगा इस विषय बारे। कृपा करके उसनू मन विच रखते हुए अपने बच्चों नू उस आराधना दे विच जरूर शामिल कराना। बाकी हफ्ते दे दौरान वीरवार वाले दिन असी सारे विश्वासी इकट्ठे होंगे, कुछ कुछ विश्वासियां जूम राही आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। जेकर तुसी वो समा कढ़ सकते हो तो आ सकते हो, कृपा करके आओ, ये थोड़े लिए रखा जा रहा है। तो पिछले तीन समा दे विच दो प्रभु दे दास भी आए जिन्होंने प्रभु दे वचन का प्रचार किया, तो जेडे शामिल हुए उन्होंने बहुत ही आशीष पाए। तो असी यही चाहते हाँ कि इस दौरान प्रभु दे दासां दे द्वारा तुसी सारे भी आशीष पाओ। तो तीजी गल यह है कि नौजवानों की सभा भी जो शुक्रवार वाले दिन या हफ्ते दे दौरान जो हुंदा है उस जूम दे विच भी तुसी कृपा करके नौजवानों नू प्रोत्साहित करो कि वे शामिल होवे। ते आखिर च ये तो खबर आ रही है कि 8 तारीख तो बाद धार्मिक थावां ते इकट्ठे हो सकते हाँ, पर फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट वालों निर्देश है, पर स्टेट गवर्नमेंट वालों जो सरकार है उन्होंने हले तक कोई भी जो निर्देश दिता नहीं है इस विषय बारे पंजाब दे लई। तो इस करके हुण भी असी ऑनलाइन ही सारी आराधनावां रखेंगे, ते इस मन विच रखना, हिम्मत नहीं हारो, जल्दी इसे असी इकट्ठे होवांगे। प्रभु तुहानू सारयां नू आशीष दे। सारयां नू जय मसीह दी। ये समा असी परमेश्वर दे वचन वल ध्यान देंगे। सगों लॉकडाउन शुरू होके असी तीजे महीने दे विच आ चुके हाँ, ते ये समा भी हले तक पक्का नहीं है कि कदों ये वापस असी नॉर्मल रूप दे विच इकट्ठे हो सकते हाँ। पर तुहानू सारयां नू ये जरूर मैं दसना चाहांगा कि तुसी कृपा करके हिम्मत नहीं हारो। इस परिस्थिति दे विच भी मैं ये जरूर कह सकता हाँ कि असी वज सकते हाँ, संगति रख सकते हाँ,
एक दूजे ने उत्साहित कर सकते हाँ, कैरसल भी हो सकता है, असी मिलके आराधना भी कर सकते हाँ। पर यही है कि असी उसनू उस नज़रिए दे नाल वेखते हुए उसी तरीके दे नाल कदम जरूर चुके, जिस तरह मैं कहिंदा आया हाँ। परमेश्वर वड्डे वड्डे कमां दे लई सानू तैयार कर रहा है, ते असी उन गल्लां नू मन विच रखिए अते अपने आप नू इस समा तैयार करदे रहिए। ते प्रभु दे वचन वल असी ध्यान देंगे। एक मुख्य विषय है जिस दे बारे में अज तुहाडे नाल मैं गल करना चाहांगा, ते वो है प्रभु यीशु मसीह दा दूजा आगमन। अज जो कुछ मैं तुहानू दसना चाहुंदा हाँ वो ये है कि मसीह हुंदे हुए साडा या साडी प्रतिक्रिया या साडा की रिस्पोंस प्रभु यीशु मसीह दे दूजे आगमन दे विषय दे बारे होना चाहिदा है। जद तो ये कोरोना वायरस दे बारे गलबात सगों गलबात ही कि ये जद आ गया सी, असी एक पासे वेखदे हाँ कि प्रभु यीशु मसीह दे आगमन दे बारे काफ़ी चर्चा हो रही है, प्रभु यीशु मसीह दे आगमन दे बारे कई सिख्यावां दित्ती जा रही है। दानियल दी किताब, प्रकाशित वाक्य दी किताब दा अध्ययन किया जा रहा है, तो कई विषय इस दे बारे असी सुन भी सकते हाँ, असी पढ़ भी सकते हाँ। तो अज सगों मैं कुछ मुख्य गल्लां हैं जो तुहाडे सामने जरूर रखना चाहांगा। मैं हुण उन सारी गल्लां दे डूंगाई दे विच नहीं जान वाला हाँ कि यीशु मसीह दे आगमन दे विषय दे बारे इस चिन्ह दा की अर्थ है, जो इस तरह दे सिंबल्स प्रकाशित वाक्य दे विच दित्ता गया है उस चीज़ दा की अर्थ है। उन गल्लां दे वल मैं तुहाडा ध्यान नहीं लेकर जा रहा हाँ, पर सत गल्लां हैं जो मैं तुहाडे सामने रखना चाहांगा, जो मैं समझदा हाँ कि वो एक बुनियाद है, वो एक चीज़ है जिस दे वल जेकर असी ध्यान देंगे तो असी वो मसीह बन सकते हाँ कि जद यीशु मसीह आउंदा है असी बिल्कुल तैयार रहांगे। तो चलो असी ध्यान देंगे, सत गल्लां हैं जो मैं तुहानू दसना चाहूँगा हाँ। सब तो पहली गल ये है कि प्रभु यीशु मसीह दा आगमन निश्चित है, प्रभु यीशु मसीह दा आगमन निश्चित है। इस दे विच कोई भी शंका नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आउन वाला है। जेकर असी परमेश्वर दे वचन वल भी वेखिए, जद यीशु मसीह ने उन सारे चेलिया नू कहा सी, ते उन चेलिया दे नाल बाकिया नू भी तकरीबन 120 उन लोकां नू जो प्रभु पवित्र आत्मा दे उस बपतिस्मा दे वायदे दे उड़ीक विच सी, जद असी चेलिया दे करतव 1:8 विच वेखदे हाँ, क्योंकि जद पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते उतर आवेगा तुसी शक्ति पाओगे कि सारे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया दे अंत तक मेरे गवाह बनोगे। पर उस तो तुरंत बाद असी वेखते हाँ कि प्रभु यीशु मसीह कुछ गल्लां अपने उन लोकां नू दस रहा है। अंग्रेजी दे विच मैं पहले पढ़ना चाहांगा, कहिंदे आफ्टर सेइंग दिस ही वॉज टेकन अप इन टू अ क्लाउड वाइल दे वर वॉचिंग एंड दे कुड नो लोंगर सी हिम। ये कहन तो बाद प्रभु यीशु मसीह बदलां दे विच उपर उठाया गया उदों तक जब उस नू वेख नहीं पाए। तो 10वां आयत कहिंदा है कि ये चेलियां देखो 1:9, 10, 11 आयतां हैं। एज दे स्ट्रेन टू सी हिम राइजिंग इन टू हैवन, टू वाइट रोब मैन सडनली स्टूड अमंग दैम। जब यीशु मसीह नु बदलां दे विच उपर उठाए हुए वेख ही रहे सी, ध्यान नाल वेख रहे सी कित्थे यीशु मसीह गए, दो लोकी चिट्टे कपड़े दे विच उत्थे पेश आए। ते वो की कहिंदे हन, मैन ऑफ गैलिली दे सैड, Why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday he will return from heaven the same way you saw him go. Kende Galil de loki, tusi kidda ki vekh rahe ho, jidda tusi Yeshu Masih nu upar uthaye hue vekhya hai, udda hi wo dobara aavega. Jekar assi isi vishay de bare vachan vekhiye, कई 100 इस तरह वचन है जो प्रभु यीशु मसीह दे दूजे आगमन दे बारे कह रही है।
ते जिस तरह यीशु मसीह पहली बार एक कुंवारी दे द्वारा जन्म होके इस धरती ते आया, हुण यीशु मसीह दोबारा एक बालक दे रूप विच नहीं आवेगा, पर राजाओं दा राजा बदलां दे विच वो आउण वाला है। ते दूजी गल है जिस ते वल सानू ध्यान देण दी लोड़ है, यीशु मसीह एक चोर दे नाई आवेगा। यीशु मसीह एक चोर दे नाई आवेगा। हुण इत्थे जद बाइबल सगों दसती है, सगों थोड़ा ध्यान पहला तसलोनिका दे पत्री उसके पंज अध्याय ते दो तो लेके चार उन आयतां नू असी जेकर वेखिए तो ये वचन ते इस तो अलावा होर भी कई सौ इस तरह वचन है जो यीशु मसीह दे दूजे आगमन दे बारे दसते हैं। तो असी वेखते हाँ कि पंज आयत दे दो तो लेकर चार तक असी हैं। फॉर यू नो क्वाइट वेल दैट द डे ऑफ द लॉर्ड रिटर्न डे द लॉर्ड्स रिटर्न विल कम अनएक्सपेक्टेडली लाइक अ थीफ इन द नाइट। तुसी जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है एक चोर दे ना ही इस तरह होवेगा। When people are saying everything is peaceful and secure, then disaster will fall upon them as suddenly as the pregnant woman's labor pain begin, and there will be no escape. जिस तरह एक गर्भवती स्त्री नो अचानक किए बच्चे जन्म देन दा वो दर्द उठता है, उसी तरीके दे नाल यीशु मसीह दा वो दिन सगों आवेगा। ते असी इधर वेखते हाँ बाइबल स्पष्ट तौर पर दस रही है कि यीशु मसीह एक चोर दे नाई आवेगा। हुण चोर दे नाई आएगा उसके कहन दा मतलब की है? हुण एक गल ये, यीशु चोर नहीं है, पर चोर दे नाई कहन दा मतलब चोर कदी कह के नहीं आउंदा है, अचानक आवेगा, सानू नहीं पता लगता कदों आवेगा। तो उसी तरीके दे नाल यीशु मसीह कदों आवेगा, बाइबल सगों दसती है किसी नू भी नहीं पता है कि वो समा या वो एग्जैक्ट समा कदों होवेगा। कई पिछले कुछ सालां दे दौरान कुछ प्रभु दे दास इस तरह प्रभु दे दास कहना ठीक रहेगा कि पता नहीं, पर इस तरह जो कहंदे प्रभु दे दास उन्होंने कहा फलाने दिन इस महीने दे इस तारीख दे इस समा दे विच यीशु मसीह आएगा करके इस तरह दे भी लोग की सी। पर बाइबल स्पष्ट दस दी है कोई ये कह नहीं सकता है फलाने दिन फलाने महीने फलाने तारीख फलाने समा ते। जे कोई भी इस तरह कहन वाला है तुरंत ध्यान रख लो झूठे नभी हैं। तो यीशु मसीह किसी भी समा आएगा। थानू अते मैनू की है इस विषय दे वल ध्यान देना। इसी दे नाल संबंधित तीजा मेरा पॉइंट है कि सानू हमेशा तैयार रहना है। चोर दे नाई यीशु मसीह आवेगा, पर सानू हमेशा तैयार रहन दे लोड़ है। प्रभु यीशु मसीह ते जद विश्वास करना शुरू किया सी कुछ साल ही हो गए, ते एक वचन सी जिसने मेरे उत्ते काफ़ी एक प्रभाव सगों पाया यीशु मसीह दे आगमन दे विषय दे बारे, ते यीशु मसीह दे जद आएगा तो उस दे वल सगों ध्यान सानू देना चाहिदा है। तो केड़ी गल्लां है जिस दे वल ध्यान देना चाहिदा है? जेकर असी लूका रचित सुसमाचार उसते 21वें आयत दे 34 35 अते 36 आयत नू वेखांगे तो कुछ गल्लां उत्थे दसी गई है। वॉच आउट मतलब ध्यान रखो, डोंट लेट योर हार्ट बी डल बाय कैरसिंग एंड ड्रंकडनेस। पियकड़पना दे विच तुहाडा दिल की है उस दे विच इदां ही गुमराह तरीके दे नाल ना होवे। एंड बाय द वरीज ऑफ दिस लाइफ इस जीवन दे चिंतावां दे विच सगों तुसी डुब ना जाओ। डोंट लेट द डे कैच यू अनअवेयर मतलब वो दिन इस तरह का तुहाडे सामने ना एक अचानक तुहाडे हैरानी दे हो अरे यीशु मसीह आ गया। कहन दा ये मतलब साडा ध्यान कि जीवन दे चिंतावां दे विच ना डुब जाए, साडा ध्यान होर बाकी दुनिया दे उन सारी गल्लां दे विच असी इस तरह प्रभु यीशु मसीह दा आगमन धुंधला ना हो जाए कि जिथे असी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हाँ कि यीशु मसीह आवेगा। मसीह हुंदे हुए ये गल संभव है। तो 36 आयत कहंदा है कीप अलर्ट ऑल द टाइम मतलब हमेशा चौकस रहो।
and pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man. तो ये प्रार्थना करो कि वो यीशु मसीह दे आगमन दे समा जो बहुत ही माड़ी गल्ला होएंगी तुसी उस तो बच सकदे हो ते मनुख दे पुत्र दे सामने खड़े हो सकदे हो। तो ये कह रहे हैं 36 आयत के अंदर, कीप अलर्ट ऑल द टाइम, मतलब हम पूरे समा चौकस रहो। जद असी हर रोज़ उठते हाँ तो ये ध्यान रखें, अज दे दिन सवेरे दे समा भी ईशु आ सकता है। जदों मैं काम ते जा रहा हाँ, काम दे काम कर रहा हाँ, या मैं अपने स्कूल दे विच हाँ, या कॉलेज दे विच हाँ, या अपने बिजनेस दे विच मैं बिजी हाँ, अपने घर दे विच खाना बना रही हाँ, या रिश्तेदार आए हुए हैं, शाम वेले है, सोन तो पहला है, जब मैं सो रहा हाँ, किसी भी समा ईशु मसीह आ सकता है। ते थानू अते मैनू हमेशा तैयार रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तैयार रहन दा मतलब शायद तुसी पुछोगे की है वो। हुण यीशु मसीह उसी दे विषय दे बारे दृष्टांत भी देंदे, 10 कुवारियां दे बारे, जो 5 कुवारे सी जिन्हां दे कुप्पी दे विच तेल सी, बाकी 5 कुवारे सी जिस दे कुप्पी दे विच तेल मुक गया, वो की है। मैं उन सारी गल्लां दे वल ध्यान नहीं देना चाहता, पर सिंपल गल ये है कि मैं तैयार किवें रह सकदा, मेरा रिश्ता परमेश्वर, मेरा रिश्ता मनुख दे नाल जेकर सही है। जेकर सही नहीं है तो वो समा अनजान होवेगा, तो यीशु आवेगा तो असी बदलां दे विच नहीं ऊपर उठाए जाएंगे। सिंपल ये गल है। तो तुहानू अते मैनू हमेशा तैयार रहना है। असी पाप दे विच डुब्बे ना रहिए, असी दुनिया दे चिंता दे विच डुब्बे ना रहिए, असी होर बाकी गल्लां दे वल, वो गल्लां जो सानू प्रभु तो दूर लेकर जा रही है, उन गल्लां दे वल ध्यान ना दे, पर असी तैयार रहिए। जिस तरह एक दुल्हन, एक दुल्हा जो जिन्हों का ब्याह होने वाला है, वो उड़ीक रहे कदों साडा ब्याह होवेगा। दिन रात दोनों ही एक दूजे दे बारे सोचते हैं, तो यीशु मसीह साडे बारे सोच रहा है, वो साडा दुल्हा, असी उहदे दुल्हन, कलीसिया उसकी दुल्हन है, तो असी कि उस यीशु मसीह दे बारे साडा ध्यान उसके वल है, वो कदों आवेगा, वो कदों आवेगा करके वो उड़ीक रख रहे हैं। साडे विचों कुछ है या शायद कई होंगे जिन्हां दे ब्याह तो पहला कुछ समा सी, ठीक है, तो वो समा तुहानू थोड़ा जिहा याद करके देखो। असी हर रोज़ अपने होने वाले जीवन साथी दे बारे सोचते सी, हर रोज़ वो दिन सोचते सी, वो ब्याह वाला दिन। तो जेकर पूछा जाता है किन्ने दिन है, किन्ना समा, किन्ने घंटे, किन्ने मिनट, शायद उसका भी उत्तर असी दे सकते सी। तो उसी तरीके दे नाल असी उस समा दे लई तैयार सगों रहना है। चौथी गल जिस दे वल ध्यान देना चाहिदा है, यीशु मसीह दे आगमन नू तेज़ करिए। कहन दा ये मतलब है कि तुसी अते मैं चाहुंदे हाँ कि यीशु मसीह जल्दी आए, ठीक है, ते शायद तुहाडे ते मेरे मन दे विच ये भी आया होएगा। सोच के देखो, यीशु मसीह दे आगमन दे बारे जेकर असी वेखिए तो यीशु मसीह दे ऊपर उठाए जाण तो बाद ही यीशु मसीह दे आगमन दे बारे गलबात हुंदी जा रही है। पौलुस यीशु मसीह दे ऊपर उठाए, पिता दे सज्जत विराजमान होण ते कुछ समा बाद ही कहिंदा यीशु मसीह जल्दी आउण वाला है। ये किन्नी चेर पहले दी गल है? तकरीबन 2000 साल पहले दी गल है। अरे उस समा तो कहा जा रहा है कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। तो शायद ये प्रश्न तुहाडे मन विच भी उठा होएगा, अरे कदों ही यीशु मसीह आएगा? तो इसी दा उत्तर सगों पत्रस दे विच, 2 पत्रस 3:11-12 दे विच लिखा गया है। जेकर बाइबल तुहाडे कोल है, मैं विनती करांगा तुसी कृपा करके कढ़ना। 2 पत्रस 3:11-12 उन आयतों के वल ध्यान देंगे। जेकर थोड़े मन में ये विचार आए, अरे कहते जा रहे यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो कदे कदे कुछ लोग की है इसी गल नु सुनकर, अरे कहते जाते यीशु मसीह आएगा, वो कितने आएगा करके उस दे वल लापरवाही दिखाते हैं। पर तुहानू अते मैनू लापरवाही नहीं दिखाना है, पर करना की है उस दे वल ध्यान देना है। करना की है? उस आगमन नु छेती आउन लई जो सानू करना उस दे वल असी ध्यान दे। कहन दा ये मतलब,
जेकर असी चाहुंदे हां कि यीशु मसीह जल्दी आए, वो तुहाडे अते मेरे हथ विच है, कलीसिया दे हथ विच है। ये गल असी वचन नूं जेकर असी पढ़िए, दो पत्रस 3 अध्याय दा 7 अते 8 आयत या 8 अते 9 आयत नूं असी सगों पढ़िए। कहिंदा है कि बट यू मस्ट नॉट फॉरगेट दिस वन थिंग डियर फ्रेंड्स, अ डे इज लाइक 1,000 years टू द लॉर्ड एंड 1,000 years इज लाइक अ डे। इस गल नूं प्रिय मित्रों भुल ना जाओ कि परमेश्वर दे लई एक दिन 1,000 वर्षां 1,000 सालों वर्गो है, या 1,000 साल जिहड़ा एक दिन वर्गा है। ते 9वां आयत कहिंदा द लॉर्ड इजंट रियली स्लो अबाउट हिज प्रोमिस। परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस दे विच वो हौली हौली उसको पूरा करन च नहीं लग्या होया, एज सम पीपल थिंक, जिवें कुछ लोग सोचते, शायद तुसी सोच रहे हो अरे कहिंदे यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, हले तक नहीं आया है, वो तो बस इदा ही कह रहे हैं कि नो, ही इज़ बीइंग पेशेंट फॉर योर सेक, वो थोड़े कारण धीरज रख रहा है। ही डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू बी डिस्ट्रॉयड बट वॉन्ट्स एवरी वन टू रिपेंट। वो नहीं चाहुंदा है कि कोई भी नाश होए, सगों हर एक तौबा करे। सिंपल ये है, कहन दा ये मतलब जेकर असी चाहुंदे हां जल्दी यीशु मसीह आए, तो असी उस काम नु करिए जिसते दोबारा यीशु मसीह जल्दी आएगा। की है वो काम? प्रभु यीशु मसीह दे शुभ संदेश दा प्रचार करिए। तुसी चाहुंदे हो, मैं चाहुंदा हां, कलीसिया नूं प्रभु ने यह हुक्म दिता है, जाओ जाति जाति दे लोकां नूं चेले बनाओ। कि असी ये काम दे विच लगे हुए हाँ, कि या असी अपने ही कम्मां दे विच डुबे हुए, अपने ही चिंतावां दे विच डुबे हुए हैं। 2 मिनट मैं तुहाडे सामने यह रखना चाहांगा, पिछले हफ्ते ही मैं ये कहा सी कि फेसबुक दे राही सुसमाचार दा प्रचार असी कर रहे हैं, करना की सी, सिर्फ शेयर करना सी। 2 मिनट मैं तुहाडे तो प्रश्न पूछना चाहांगा कि तुसी वो शेयर किता है। मैं ये कहांगा जेकर तुसी नहीं किता है तो शायद मेरा ये कहना नहीं गलत नहीं होएगा कि असी गंभीर हैं सुसमाचार दा प्रचार करन दे विच। जेकर हैं तो असी लगे रहांगे। तो सिर्फ वही नहीं, तो शायद वो नहीं किता पर सुसमाचार दा प्रचार तो किसे ना किसे लभ रहे हो मौका दसण लई, दसिए असी कलीसिया हुंदे वे जिन कम्मां दे विच असी लगे सुसमाचार दा प्रचार करन दे विच, असी पूरा ध्यान दे लगे उस दे विच, क्योंकि जद यीशु नहीं चाहुंदा कि कोई भी नाश हो जाए, तो उस यीशु दे आगमन नूं छेती करन लई असी उस काम दे विच लग जाए। 5वीं गल जो है सानू सगों ध्यान देने दी लोड है, यह है कि प्रभु दे विच वदन दे लई अपने आप नूं तुसी दे दो, अपने आप नूं प्रभु दे यीशु दे प्रभु यीशु दे विच वदन लई समर्पित तुसी करो। बहुत ही जरूर ध्यान देना है इस दौरान। बाइबल सगों कहती है कि जेड़े चुने गए हाँ वो भी शायद भरमाए जाएंगे। कहंदा ये मतलब मैनू प्रभु दे नाल एक करीबी रिश्ते नू कायम करना है, मैनू प्रभु दे विच दिन पर दिन वधना है, मैनू प्रभु दे होर करीब आना है, मैं प्रभु दे ने जिस मकसद दे लई मैनू चुनिया है, जो प्रभु ने मेरे जीवन दे लई मंजिल रख्या है, उस दे वल मैं ध्यान देकर उस तरह दा मैं जीवन जी सकां। क्योंकि याद रखो कि जो असी प्रभु दे विच वदांगे, प्रभु दे करीब रहांगे, तो असी भरमाए नहीं जावांगे। जद कई प्रकार दी गल्लां आ रही हैं, कई प्रकार दे गल्लां असी सुन रहे हाँ यीशु मसीह दे आगमन दे बारे भी, तो असी ध्यान ये रखांगे कि असी भरमाए बिल्कुल ना जाए। ते मैं तुहाडा ध्यान सगों उस वचन दे वल भी लेकर जाना चाहुंदा हाँ जिथे 1 यूहन्ना उस दे 3 अध्याय दे वल, 1 यूहन्ना उस दा 3 अध्याय तुसी कृपा करके कढ़ना। 1 यूहन्ना यूहन्ना दी पहली पत्री कह लो, दूजे शब्दां दे विच उस दा 3 अध्याय दा 2 आयत। डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑलरेडी गॉड्स चिल्ड्रन but he has not yet shown us what we will be like when he appears. Asi sare parmeshwar de santan hain te usne ya parmeshwar ne sanu hale tak nahi dassya ki assi ki hovange jad wo aavega, par
जब वो आवेगा असी मसीह दी तरह बन जाएंगे। ठीक है, कि ये दोबारा में, बट ही हैज नॉट येट शोन अस व्हाट वी विल बी लाइक व्हेन क्राइस्ट अपीयर्स, बट वी नो दैट वी विल बी लाइक हिम, फॉर वी विल सी हिम एज ही ऑल ही रियली इज। कि जब वो बदलना दे विच दिखाई देगा, असी उस दी तरह वेखन च लगेंगे। दिन बर दिन प्रभु दे विच वधना, प्रभु दी तरह बनना, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसकी शक्ति साढ़े जीवन दे द्वारा प्रगट होना, कि उसकी तरह बन सके, कि जब वो बदलना दे विच आएगा असी उसकी तरह बदल जावांगे। असी अगला छठे पॉइंट दे वल असी ध्यान देंगे, जो यह है कि असी यीशु मसीह दे अंतिम दिनों दे विच जिहड़े चिन्ह दे बारे गल कीती गई है, जो चेतावनियां दे बारे गल कीती गई है, असी उस दे वल ध्यान दे या उन गल्लां नूं मन विच असी जरूर रखिए। जिस तरह असी मौसम बदलदे हुए वेखदे हाँ कि सर्दी दा मौसम आ रहा है, तो किवें असी अंदाज़ा लांदे, अच्छा उत्तों ठंड हो जांदा है, ते सवेरे जो गर्मियां दे विच 5 बजे रोशनी आ जांदी सी, पर सर्दियां दे विच तकरीबन 7 बजदा है, ते पतझड़ दे विच पत्ते गिरदे हैं, ते गर्मियां दे मौसम दे विच देर तकरीबन 7:30 बजे ही थोड़ा जा नेरा होना शुरू हो जांदा है, बहुत गर्मी हो जांदी है। तो इस तरीके दे नाल सानू पता लग जांदा है। बिल्कुल उसी तरीके नाल यीशु मसीह दे आगमन दे बारे भी चिन्ह दसे गए हैं, खास तौर ते मती दी इंजील दे विच असी 24वें अध्याय दे विच वेखदे हां, जिथे यीशु मसीह ने कहा कि होएगा एक देश दूजे देश दे नाल लड़ेगा, दूजे पासे एक देश दूजे देश दे नाल शांति दी गलबात करेगी, जो हो भी रहा है, ते फिर अकाल आएगा, भूकंप आएगा, महामारी आएगी, उन खास तौर पर उन महामारी दी गलबात हो रही है। तो इस तों अलावा झूठे नबी आएंगे, होर लोग आके कहेंगे कि मैं मसीह हूँ करके, इस तरीके दे नाल वाके वड्डे वड्डे चमत्कार भी करेंगे। ते इस तरह इन सारी गल्लां ये इजराइल देश दे विच कुछ कुछ गल्लां होएंगी, जिन सारी गल्लां दे द्वारा पता लगदा है कि यीशु मसीह आवेगा। तो ये कई सालां तो मतलब तकरीबन 2000 सालां तो हुंदा आ रहा है, ते होर भी माड़ा हुंदा जा रहा है। तो इस करके ही पौलुस भी उस समय कहंदा सी यीशु मसीह जल्दी आएगा। तो हुण भी जे असी सारी गल्लां नूं वेख रहे हां कि यीशु आ सकदा, किसी भी टाइम आ सकदा है, पर सानू ध्यान रखना है। तो उत्थे एक गल दे वल जो थोड़ा ध्यान में लेके जाना चाहता हाँ, वो ये है 2 तिमोथियुस दी पत्री उसके 3 अध्याय दे वल असी वेखिए, तो उसका 1 तो लेकर असी सगों पढ़ांगे। ते पौलुस तिमोथियुस नूं ये पत्री जद लिखता है, कहिंदा यू शुड नो दिस तिमोथी या तिमोथियुस, तैनू ये गल्लां पता होनी चाहिए है कि दैट इन द लास्ट डेज देयर विल बी ग्रेट डिफिकल्ट टाइम्स, देयर विल बी वेरी डिफिकल्ट टाइम, मतलब अंतिम दिनों दे विच बहुत ही औखे समा होणगे। ते फिर वो दिंदा है फॉर पीपल विल लव ओनली देमसेल्व्स एंड देयर मनी, लोग सिर्फ अपने आप नूं ते पैसे नूं प्यार करेंगे, दे विल बी बोस्टफुल एंड प्राउड, बहुत ही कमंडी होणगे, वो परमेश्वर नूं नीचा वेखणगे, माँ बाप के प्रति ना आज्ञाकारी होएंगे, वह आभारी उन्हां दा धन्नवादी नहीं होणगे, दे विल कंसिडर नथिंग सेक्रेट, कुछ भी चीज़ नूं वो पवित्र नहीं समझणगे, दे विल बी अनलविंग एंड अनफॉरगिविंग, उन्हां दे अंदर प्यार नहीं रहेगा, क्षमा रहित होणगे, they will slander others, बाकियां नूं नीचा वेखणगे, they will have no self control, उन्हां दे अंदर संयम चीज दी गल ही नहीं होएगी, वे बहुत ही कठोर दिल दे होएंगे, भला नूं वो नफरत करनगे, ते they will betray their friends, अपने मित्रां नूं वो धोखा देणगे, वे घमंड दे नाल परे होंगे, वे दुनिया दी अभिलाषा नूं परमेश्वर तों भी परमेश्वर नूं छड्ड के प्यार करन वाले होएंगे, वह धर्मी करके दिखाणगे पर उस दी शक्ति नूं वो इनकार करन वाले लोग की होणगे। इस तरह दे लोकां तो तू अपने आप नूं बचा के रख। हुण इत्थे ये कुछ गल्लां दसी गई हैं जो मसीह हुंदे हुए सानू अपने दिल नूं इन सारी गल्लां तो बचा के रखना है। जिस तरह मैं कहा यीशु मसीह किसी भी समय आएगा, सानू तैयार रहने दी लोड़ है, जेकर तैयार नहीं है असी छड़े जाएंगे, दोबारा सानू कदे मौका नहीं मिलेगा, नरक ही वो था है जिथे असी हमेशा दे लई तड़प दे रहांगे। ते ध्यान रखे, चौकस रहे, चिन्ह दे हुण है,
किसी भी टाइम इशू आ सकता है, चाहे जब मैं प्रचार भी कर रहा इस टाइम में हो सकता है मैं कुछ नहीं कह सकता, या जब तुसी प्रचार सुन रहे हो उस टाइम यीशु मसीह आएगा, कुछ नहीं कह सकते, किसी भी टाइम आएगा। तो हमेशा असी तैयार रहे। आखिर चिक गल कह के मैं ख़त्म करना चाहूँगा, वो ये है कि यीशु दे आगमन की आशा रखो, तो इस धरती ते एक नमक ते रोशनी बन के रहो। यीशु मसीह दे आगमन की आशा रखो, पर इस धरती ते एक नमक अते रोशनी बन के रहो। मेरा कहन दा ये मतलब है, दो प्रकार दे मसीह नूं असी आम तौर ते पाउंदे हाँ। एक वो मसीह जो हमेशा उस ध्यान यही रहंदा है, यीशु मसीह जल्दी आएगा, यीशु मसीह दे कोल जल्दी जाना है। जब दुख हुंदा है तो यीशु मसीह कोल असी जाएंगे, उत्थे कोई दुख नहीं। जब परेशानी वेखदा यीशु मसीह कोल जावांगे, जब बुराई नूं वेखदा है इस बुराई तो बच के मैं यीशु मसीह कोल चले जाना है, यीशु जल्दी आ करके वो प्रार्थना कर दे। दूजे चुंड दे लोकी वो हन जिन्हां दे दिलां दे विच यीशु दे आगमन की आशा है, पर उन्हां दा ध्यान ये है कि जदों तक मैं इस धरती ते हाँ मैं यीशु मसीह दे लई इत्थे जियांगा, ते इत्थे एक फर्क लेकर आवांगा, इत्थे एक अंतर लेकर आवांगा, इत्थे एक बदलाव लेकर आवांगा, क्योंकि दोनों ही नमक अते रोशनी एक बदलाव लेकर आउंदी है। इन दोनों दा प्रभाव नूं असीं वेख सकदे हाँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा असी इस धरती दे नमक है, इस धरती ते असी जिस जगत ते ज्योति दी तरह असी इधर हैं। तो साडे दिलां दे विच यीशु दे आगमन दी आशा हमेशा बनी रहे, क्यों किसी भी टाइम वो आ सकदा है, पर जदों तक असी इस धरती ते हैं इत्थे एक बदलाव लेकर आए। जे कुछ बुरा वेखदे हो तो बदलाव लेकर आउन दा विचार होएगा, तो किवे ये बुराई नूं मैं दूर करन लई कुछ कर सकदा हूँ करके मेरा ध्यान ये रहेगा। बजाय बुराई तो वधदी जाएगी, असी की कर सकदे हां, कुछ नहीं कर सकदे, वो नहीं सोच रहेगा बुराई नूं किवे घटा सकदे हैं, सुसमाचार दा प्रचार किवे असी कर सकदे हां। इस दे विच भी असी किस तरह इस धरती ते स्वर्ग दे अनुभव नूं दिला सकदे हां, उस सोच दे नाल असी रहांगे। इत्थे किवें प्रभु दे भलियाई नूं अपने जीवन दे द्वारा प्रगट कर सकदे हां, इत्थे किवें असी प्रभु दे उस प्यार नूं प्रगट कर सकदे हां, उन गल्लां दे वल साडा ध्यान रहेगा। जिथे भी असी काम कर रहे हां, जिथे भी असी पढ़ रहे हां, जिथे भी साडा व्यापार है, या जिन लोकां कोल भी असी जांदे, साडा ध्यान यही रहिंदा है उत्थे मैं एक नमक अते रोशनी दी तरह रहना है कि एक अंतर लेकर आवां। इस करके दिल दे विच यीशु दे आगमन दी आशा बनाए रखो, पर जब तक इस धरती ते हैं एक नमक अते रोशनी दी तरह बन के रहन दा असी ध्यान सगों रखिए। ये सत गल्लां मैं तुहाडे सामने रखना चाहांगा, इन सत गल्लां दे वल असी ध्यान दे। मैनूं याद है जद बाइबल कॉलेज दे विच इसी विषय दे बारे एक अलग ही सब्जेक्ट सी, तुसी सोच रहे होगे इसी विषय दे बारे अलग सब्जेक्ट, मैं तुहानू दसना चाहूँगा कई प्रकार दे विचार है यीशु मसीह दे आउन दे बारे। वो यीशु मसीह दा आगमन सताव तो पहला एक थियरी वो है, सताव दे दौरान एक थियरी, सताव तो बाद एक थियरी, उस तो बाद हज़ार साल दे बारे अलग अलग विषय। सारी गल्लां नूं सुन के सारी गल्लां नूं पढ़कर मेरा निचोड़ मेरे अपने पेपर दे विच यही सी, ये गल स्पष्ट है कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह चोर दे नाई आएगा, ये गल भी स्पष्ट है, उसकी कोई दो राय नहीं है। असी तैयार रहना है, इस दे विच कोई दो राय नहीं है। असी जब तक इस धरती ते एक फर्क लेकर आ सकीए, उस दे विच कोई राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। एक उस तरह का जीवन जिए जिथे साडा रिश्ता साडे परमेश्वर अते बाकी मनुख दे नाल सही रिश्ता होवे। इन गल्लां दे वल ध्यान असी दे, ते जद भी यीशु आवेगा असी बदलां दे विच उपर उठाए जाएंगे, ते उस समा यही यीशु कहकर साडे पीठ ते थप थक पा के कहेगा, तू मेरा विश्वास योग्य दास ते दासी सी। मैं विश्वास करता हाँ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸੀਆ ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਮਕ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੂਬੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੂਬੇ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੌਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਨੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਈਸ਼ੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh, this is your birthday song. Jai Shri Mata Ji, happy birthday. God bless you. Happy birthday to you, Pastor Ji. God bless you. Jamsi Pastor Ji, happy birthday. God bless you. ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਪਾ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।